पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश न बनाएं। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार शराब माफिया के साथ उसके हित में काम कर रही है। शिवराज ने कमलनाथ से ये तक कहा ऐसे ही शराब माफिया खत्म करना है तो शराब की होम डिलीवरी करवा दीजिए। नई शराब नीति पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की शराब नीति को लेकर फिर निशाना साधा और कहा शराब माफिया पर रोक लगाने के लिए सीएम कमलनाथ जो तर्क दे रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर ऐसे ही शराब माफिया को खत्म करना है तो उसकी होम डिलीवरी करवा दीजिए। शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में मध्य प्रदेश को नशे में न डुबोए। उन्होंने कहा कि वे किसी तरह का पत्र युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने सीएम कमलनाथ को पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद भी दिया लेकिन कहा कि उनका जवाब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नई शराब नीति का विरोध किया था। मैं आज फिर कहता हूं कि यह फैसला प्रदेश का कबाड़ा कर देगा। मेरे गले नहीं उतरा। उन्होंने कहा सरकार कोई नई दुकान थोड़ी खोल रही और वो दुकान तो मूल दुकान के साथ लाइसेंस ही खोलेगा। नीति के अनुसार मुख्यमंत्री जी के पत्र में कहा है नीति के अनुसार कोई नई दुकान नहीं खुल रही है वरन मूल दुकान का लाइसेंस यदि चाहे तो कुछ शर्तों के अधीन मूल दुकान के साथ उसकी उप दुकान खोल सकता है। तो मूल दुकान सरकार नहीं खोल रही है वो तो लाइसेंस ही खोल रहा है उप दुकान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए लाइसेंसी जो उप दुकान खोल रहा है उसमें क्या गन्ने का जूस बिकेगा, क्या गाय का दूध बिकेगा, मक्खन पनीर बिकेगा, उनमें बिकेगा क्या? क्या उनमें शराब नहीं बेची जाएगी? और ये कहना है कि नहीं नहीं नई दुकान हम नहीं खोल रहे हैं, लाइसेंसी उप दुकान खोल रहा है। कैसा तर्क है? कौन से सलाहकार आपको सलाह दे रहे हैं? हर गाँव में खोल दो शराब की दुकान, हर गांव का होम डिलीवरी करवा दो घर पे ही सीधे पहुंच जाए वहीं पियो। अगर आपका तरीका ये माफियाओं को खत्म करने का कि संगठित अपराध माफिया इससे खत्म होंगे तो फिर काहे को इतना बड़ा आबकारी विभाग का अमला बनाया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अवैध रूप से शराब अगर कहीं बिकती है तो वो कार्रवाई करें रोकें? ये तर्क माननीय मुख्यमंत्री जी गले में उतरने वाला नहीं। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मेरे पत्र के जवाब में जो जवाब आया है मेरे साथ साथ प्रदेश को आहत करने वाला है। किसी जिम्मेदार सरकार से ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद ना थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ऐसे कुतर्क दे रहे हैं जो गले से नहीं उतरता है। शिवराज ने कहा कि उनकी रुचि किसी जीत हार में नहीं है। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में हम मध्य प्रदेश को ऐसा ना बनाए कि मध्य प्रदेश नशे में डूब जाए। उनका कहना है कि पत्र द्वारा सीएम द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हूं, जवाब गले में उतरने वाला नहीं है। आपका तरीका अगर यह है माफियाओं को खत्म करने का है तो क्यों इतना बड़ा आबकारी अमला बनाया? शिवराज ने कहा कि मेरे सीएम कार्यकाल में शराब की दुकानों की बात जो यह कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2011 से 2018 तक एक नई दुकान नहीं खुली शराब की, उल्टा हमने तो दुकानें बंद की है। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ ने एक टीम बना रखी है जो मेरे कुछ कहते ही कुतर्क शुरू कर देती है। मैं फिर कह रहा हूं मैं कोई पत्र युद्ध नहीं चला रहा। मैं इसलिए भी ये बहस नहीं छेड़ रहा कि कौन जीता कोई कौन हारा, मुझे इसमें रुचि नहीं। मेरी रुचि केवल इस बात में है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, इस वर्ष में मध्य प्रदेश को ऐसा हम ना बनाए कि वो शराब के नशे में डूब। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।